ਹੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੋਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ बस यहाँ पे देखो यहाँ पे भी शवील लगी है और यहाँ पे पानी पिला रहे, पानी हमने पी लिया लेकिन फिर भी थोड़ा सा पीते है। इधर देखो केले भी खिला रहे करने पानी के ना केले और वो खाने हैं। और अभी हम ब्रेड न्यूट्री खा रहे हैं तो यहाँ पे देखो सभी यहाँ पे खड़े हैं तो एक बार हेलो कर दो सभी। हेलो। तो ये देखो बुरी हालत है, गर्मी बहुत ज्यादा है बट इतना अच्छा लगा कि यार रास्ते में बड़ी जगह पे पानी वगैरह लंगर चल रहा था, पानी पी आपका आ गया एक और वीडियो लेके और आज बहुत ज्यादा परेशान हूँ सुबह सुबह। रीजन ये है कि यार आज बाबा जी की मेल थी, उधर जाना था क्लीट वाली साइड और गाड़ी में जैसे जाने लगे सोचा पंप पे तेल डलवा लेते हैं तो तेल वैसे ही कल हमने रात को डलवाया नहीं, हमने सोचा आज सुबह डलवाएंगे ना तो यार पेट्रोल पंप पे हड़ताल हो गई है, बुरी हालत है। तो गाड़ी लेके सौरव और मैं गए थे, देखो तो सौरव हेलो कर, गाड़ी लेके गए थे पूरा घूम के मार्केट से, अब आ गए घर में। जितना भी सामान था जो भी डब्बे शब्बे मतलब कार्ड वगैरह शादी के बांटने थे हमने, कुछ घर बचे थे बट किसी वजह से अब सामान सारा है। अब बाइक पे कैसे लेके आए, पीछे देख सकते हो मेरे साथ बैग में दिख रहा है कुछ, बैग मैंने पिट्ठू डाल लिया है और एक ये देख लो एक इधर है बड़ा भारी सा, बाबा जी के उधर जो रस्त पानी चढ़ानी होती ना तो वो लेके जाना था, आज लगता है आज इधर ही दाल चावल इधर ही बन जाने हमारे। तो यार पूरा पेट्रोल पंप घूम के देख लिया कहीं तेल नहीं मिला और अभी हम जा रहे हैं बाइक पे, ये देख लो और मैंने पीछे बैठना है और सौरभ बाइक चलाएगा क्योंकि ये बाइक मेरे से चलाने से नहीं होती, अब देखते हैं ट्राई करते हैं आगे जाके बट चलो गाइस अभी चलते हैं ठीक है। अभी आप देख सकते हैं मैं घर पे आया हूँ गॉगल्स लेने और सोचा कि बाइक पे जाना है, धूल मिट्टी आपको पता रोड कितना खराब है और मम्मी देखो इधर, मम्मी को किचन से बुलाया जल्दी जल्दी, इन्होंने सोचा कि ये वहाँ से होके आ गया लेकिन इनको क्या बता अभी तक हम इधर ही हैं। देखो इधर लोड देखो गाड़ी कितनी हो गई है, सौरव को मैंने बोला चलते हैं यार, सौरव को मैंने दे दिया मैं गॉगल्स पहन ले तू भी, सो गाइस धूल मिट्टी बढ़िया और चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं त्रोटी में और ये है हमारा फर्स्ट स्टॉप, यहाँ पे आप देख सकते हैं शबील लगी है और जसो पानी इधर है, हेलो करो सारे, हमने देखा या नहीं देख लो। सो गाइस अभी फर्स्ट स्टॉप है तो सोचा हमने पानी ठंडा पी के जाते हैं, अपने भाई लोग पानी पिला रहे हैं उनली आनो जा फोटो खिंच रोना पिलाओ इधर बस आले कहीं है देखो गड्डी कोई जान नहीं देनी ठीक है, जेड़े बंदे आए उन्हें पानी पिलाइए भेजना, गड्डी दा गाय अगे खड़ोई अगे गड्डी रुक जानी है ठीक है भाई, थैंक यू बहुत बहुत अज यार बाइक ऊपर जा दे तेल का खत्म होई दा गड्डी च चलो ठीक है थैंक यू। अभी आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम बाइक के ऊपर जा रहे हैं और यार काफी लग रहा था मुझे इसके साथ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम में R15 पे बैठा हूँ, कभी बैठा नहीं हूँ, बुलेट वगैरह पे ही जाता रहता हूँ, अच्छा लग रहा है मजा आ रहा है और अभी सीधे वहीं जाके देवता भाई वहाँ पे जाके आपसे मिलते हैं ठीक है, मजा आ रहा है मैं पीछे बैठा मजे से। और आप वीडियो अपलोड हो रही है कल वाली, अभी तक अपलोड नहीं हो रही है, अभी टाइम लग रहा है, चलो उसको अपलोड पे लगाया हूँ मैंने तो हो जाएगी थोड़ी देर में। अभी हमारा स्टाफ नंबर 2 है, ये है चक मलाल पेट्रोल पंप के पास, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी शवील लगी है और यहाँ पे पानी पिला रहे, पानी हमने पी लिया लेकिन फिर भी थोड़ा सा पीते हैं, इधर देखो केले भी खिला दे करना पानी केले केले और वो खाने देखो मलाल च पानी भी पिला दे केले भी खिला दे राजमा चौल भी आना आंदे वगे खाने राजमा चौल आंदे वगे हेलो तो कर दो तो प्लेट में छुट्टी दो पानी वाले ग्लास छुट्टी दो उधर चलो ठीक है चलो थैंक यू। चलो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, इधर केले कूले रखे हुए हैं, इधर राजमा चौल का भी प्रोग्राम है वो देखो पीछे और इधर देखो, ये अच्छी चीज़ है गर्मियों में जितनी सेवा हो सके इतनी सेवा करनी चाहिए, ये देख लो भाई सभी घूम रहे हैं तो चलो अभी हमने जाना है इस साइड चले फिर चलो। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं नंबर 3 यहाँ तो डीजे भी लगे हुए यार देखो नज़ारे, देखो डांस डूंस कोई नहीं कर रहा था छड़ी शबील चला ही और ठीक ठाक है देखो पानी हमने पी लिया यार भाई
पहुंच चुके हैं अपने बुआ सियापती के यहाँ पे, बाइक लगा दी पीछे और यहाँ पे अभी जाएंगे अंदर मत्था टेक के, फिर जाना है बाबा जी के वहाँ पे। ठीक है, सियापती के दर्शन करने जी, और यहाँ पे हमारे प्रो जी बैठे हैं, आप देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमने इस साइड से अब शॉर्टकट ले लिया, नहीं तो हमें पीछे जाना पड़ता। वो देखो रोड दिख रहा है ना, ऐसे हमें घूम के आना पड़ता था, लेकिन अभी इधर से हम शॉर्टकट जा रहे हैं। और देखो उधर से सौरव आ रहा है, ये देखो बोलता उधर से घूम के आते हैं, मैंने बोला लेट हो जाएंगे, काफ़ी दूर पड़ जाएगा, इधर से शॉर्टकट लेते हैं। धीरे धीरे आना भाई। तो गाइस अभी देख सकते हैं आप, ये है रूट, और वो देखो कम से कम 2-3 किलोमीटर का फ़र्क पड़ना था, 3 किलोमीटर का, और यहाँ से शॉर्टकट ले लिया हमने। ये देखो सौरव कैसे आ रहा है, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सावधानी से आओ भाई। देख सकते हैं यहाँ पे पीछे सौरव आ रहा है, और अगर हमने वहाँ से नहीं आते तो हम इस रूट से आते, कम से कम 3 किलोमीटर का फ़र्क पड़ना था कम से कम। और देखो सौरव आ गया, और मेरी बुरी हालत है, मेरे को पैदल आना पड़ा। ओहो हो, हालत ख़राब हो गई है। गाइस पहुंच चुके हैं बाबा जी के दरबार में, थोड़ा सा बचा अभी, यहाँ पे बाइक पार्क कर दी पीछे, दिख रही होगी, और यहाँ से जा रहे पैदल। और देख लो उधर सामान पकड़ो, मैंने और सौरव ने, बुरी हालत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट इतना अच्छा लगा कि यार रास्ते में बड़ी जगह पे पानी वगैरह लंगर चल रहा था, पानी पी। अभी आपको एक शवील इधर जहाँ पे हम रुके ना, तो ये लास्ट स्टॉप था, यहाँ पे भी अभी शवील लगी है, दुआने खिला रहे दुआने। तो जब वापस जाएंगे फिर आपको लेके चलता हूँ, वहाँ के भी लोगों से मिलवाता हूँ, यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। अच्छा लगता है यार जब कोई बाहर जाता है ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपने देख ही ली कंडीशन, अभी देखो पसीना आ रहा है, बट इट्स ओके, पहुँच चुके हैं। हमें फाइनली हम पहुँच गए बाबा के दरबार के अंदर, आपने देख के दर्शन कर लिए, यहाँ पे सभी बैठे हैं, बाहर खाना वगैरह बन रहा है। So guys, अभी हम देख सकते हैं इधर दो गुली जने कोला कोलो काफी भी घूमेंगे। ओके डैडी बोल, केले वाले बोल, उठा को इधर कोई नहीं, इधर एक बैंक कार्ड है, सोन बैंक है, पर डर आ चुका है, तो बैठ के फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाबा जी के दरबार में, और यहाँ पे फाइनल शबीर पीने लगे हम, देख सकते हैं। हर जगह पे डीजे लगे हैं, लेकिन डीजे बंद है भैया, मैं जा रहा हूँ और सौरभ जाएगा इधर से, क्योंकि इसने गॉगल्स घूम कर दिया, तो मैंने बोला तो अपना गॉगल घूम, तब तो मैं वहाँ से घूम के आया था, क्योंकि इधर से जाना मुश्किल होगा। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ फिर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा मुझे इसके ऊपर, लेकिन थक गया हूँ, जल्दी थक जाता है। पहली बार में, पहली बार बाइक चला रहा हूँ ये वाली, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे को हमेशा से यही लगता था कि मेरे को बाइक सूट नहीं करती ये वाली, इससे अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लग रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं पलवाल में, पलवाल ना दो खालसा, सो दो खालसा में लगी है ब्रेड न्यूट्री, देख सकते हैं आप, पानी पुनी भी लग गया या नहीं, भाई गले गले ग्राहक फसाई है, बाद चो पानी नहीं है। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं हमने हर जगह पानी पिया है, और अभी हम यहाँ पे रुके हैं क्योंकि लंच टाइम तो वैसे हो गया, हमने सुचा मुँह रखा था, वहाँ गए थे बाबा जी के वहाँ पे, और अभी हम ब्रेड न्यूट्री खा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सभी यहाँ पे खड़े हैं, तो एक बार हेलो कर दो सभी। हेलो। तो ये देखो इतनी गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, तो यार बहुत बड़ी बात है, हमें देख लिए बाहर कितनी गर्मी है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, और यहाँ पे कितने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं और मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है फिर पानी पुनी पीते हैं, न्यूट्री खाते फिर चलते हैं। इधर हमारा जोड़िया पड़ता है, और इधर ये रास्ता है ना अखनूर वाली साइड से, तो ठीक है
जा रहे हैं अभी। पहुंच चुके हैं पलवाल में। ये है मामू जी, मतलब जो पापा हैं, पापा के मामू का बेटा है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं। ये सोनू चाचू है हमारे। सोनू चाचू हेलो करो। हेलो। ये पूरे शाहिद कपूर की तरह लगते हैं, आप देख सकते हैं ये उनकी कॉपी है। मैं मतलब बचपन से ही इनको ये बोलता कि आप पूरे शाहिद की कॉपी लगते हो। ये पापा के जो मामू हैं, ये उनके घर है पीछे पूरे। मैं आपको थोड़ा सा बाहर से दिखा दूंगा। यहाँ पे आए थे कार्ड देने शादी का। कल से सत्संग स्टार्ट है और शादी के कार्ड अभी तक पेंडिंग है हमारे। ठीक है, ये है हमारे काम। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ सौरभ को लेके। सौरभ ने जाना है अभी जीजू के साथ और जम्मू जाना है, और मैं इनको छोड़ के सीधे वहां से निकलूंगा घर की साइड। बाहर चल रही है गर्मी, बुरी हालत है, लू चल रही है। हालत देख लो क्या हो रही है। और शबील बड़ी ज्यादा पी हमने, हर जगह पे जाके स्टॉप पे रुक रुक के ना आज पानी पी लिया हमने बहुत ज्यादा। चले फिर एक बार थोड़ा बाहर से दिखा देता हूँ। ये पूरा जो यहाँ पे पावर हाउस है, पावर हाउस के बिल्कुल अपोजिट में इनका घर है। ये निशानी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लैंडमार्क है। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बाहर से, ये सारे घर इनके ही है, देख सकते हैं आप। ये पूरी लाइन जो है ना, ये पापा के मामू के घर हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। और इधर भी हैं एक, ये भी हैं। ये ताऊ जी है, जम्मू में ड्यूटी है इनकी। कौन सा होटल है? प्रीमियर होटल में वहाँ के मैनेजर है भाई, मालिक है मान लो। तो ये इनका इनका होटल है। तो चलो गाइस अभी जा रहे हैं हम। ठीक है फिर, बाय बाय कर दो। अभी हम पहुँच चुके हैं अखनूर सिंपल मोड में और तेल डलवा रहे हैं। देखो हमने सोचा टैंकी फुल करवा लेते हैं, इधर तो तेल आम डल रहा है यार, ऐसे ही लोग ड्रामे कर रहे हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं हमारे पास बचा हुआ था। चलो देखो शाम तक क्या पता गाड़ियाँ आ जाएँ हमारे उधर भी। फिलहाल के लिए तो हम डलवा रहे हैं यहाँ पर गाड़ी लग। बट इतना रश नहीं है जितना जोड़ियाँ में इशू बना रखा ना, इतना नहीं है। वहाँ पर तो सिर्फ एक बार कोई बंदा बोल लेना कि यार तेल नहीं मिलेगा, घर से मतलब पूरा पूरी फैमिली निकल जाती कि भाई तेल डलवा लो, पता नहीं क्या हो गया। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ईजी है। यहाँ पर पेट्रोल पम्प भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा क्राउड नहीं है। तो अभी इस सौरभ को भेजना मैंने यहाँ से, जीजू आगे वेट कर रहे हैं और मैंने निकला वापस घर में। हालत देख लो धूप में आए क्या होगी, फर्स्ट टाइम निकलो बाहर। देखो हम पहुँचे क्या अखनूर में और यहाँ पे जीजू वेट कर रहे हैं। हेलो करो। हेलो। इनसे अब आपको लगातार मिलवाते रहेंगे क्योंकि अब शादी शुरू होने वाली है। लेकिन शादी में लोग बाहर घूमते नहीं है, धूप से परहेज करते हैं। और हमारी आज टाइट फिश हो गई है और अभी पीछे गाड़ी लगी है स्कॉर्पियो। अभी ये दोनों जाएंगे जम्मू में और मैं जाऊँगा वापस। ठीक है फिर, बाय बाय कर दो। तो चलो भाई साहब मैं सीधे घर में जाके मिलूंगा आपको। पहुंच चुका हूं घर में और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा बाइक पे। लेकिन लू इतनी चल रही थी, गर्म हवा, फर्स्ट टाइम निकला था बाहर और हालत खराब हो चुकी है। सो सोच रहा हूं कि जल्दी से अभी मुंह हाथ धोता हूं फिर आपसे बात करता हूं। ठीक है गाइस, मैं अभी आ गया हूं शॉप पे और कस्टमर आ गए थे, सोचा था रेस्ट करूंगा, बट आपको पता रेस्ट तो कहाँ करनी होगी, रात को ही रेस्ट होगी। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, लव यू ऑल।